हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा आर्ट डायरी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने बालों में हिना मेहंदी कैसे लगाएं, और अगर आपके बाल फ्रिजी है, अनहेल्दी है एंड बहुत सारे हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप इस मेहंदी को ज़रूर ट्राई करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है वैसमॉल सहनाई नेचुरल हिना, और ये 100% नेचुरल है विथ हर्बल इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे जो बाल के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे और हमारे बाल हेल्दी लगेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आंवला शिकाकाई एंड रेथा पाउडर, और इसमें हमें दी गई है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें हाउ टू यूज़ दिया गया है, और ये हमारे हेयर को हेल्दी बनाता है। तो उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है एक बॉल दही, और ये एक खट्टा दही है। इसको मैंने दो दिन पहले घर पे ही बनाया है, और इसको मैंने स्टोर करके रखा था मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप पानी, तो आप रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी ले सकते हो। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और एक ब्रश लिया है मेहंदी को घोलने के लिए, और इसी में हम मेहंदी को घोलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो वैसमॉल का सहनाई हिना है उसको मैं रिक्वायर्ड अमाउंट में ले लूँगी, जितना मेरे बालों में लगेंगे उतना। तो अगर आपके पास लोहे का बर्तन है तो उसमें घोलोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आंवला शिकाकाई और रीथा का जो पाउडर है उसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दही लिया था उसको ले लिया है, और दही जो हमारे हेयर में डैंड्रफ प्रॉब्लम है प्लस हमारे हेयर फ्रिजी हैं, अनहेल्दी है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट देती है। तो मैं रिक्वायर्ड अमाउंट में दही जो लिया था वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेनी है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स करनी है। एक ही बार में ज़्यादा पानी ना डालें, इससे क्या होगा जो हमारा बैटर है वो पूरा पतला हो जाएगा। तो हमें बैटर को ठीक ही रखनी है पहले, उसके बाद ही पतला करनी है। तो हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा देर के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स कर लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हो बैटर पूरा पतला है अभी, और इसको हम स्टोर कर देंगे ओवरनाइट, क्योंकि रात भर में जो ये मेहंदी है वो फूल जाती है और ये थोड़ा थिक बैटर में आ जाती है, तो हम इसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं। तो ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया था, उसके बाद आप देख सकते हो इस बैटर को ये थिक हो चुका है, और हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मेहंदी को लगाना चाहो तो कोशिश करो कि इसको रात भर फूलने दे दो। तो चलिए अब हम बालों में मेहंदी लगाते हैं। तो मेहंदी लगाने से पहले आप मेरे बाल को देख सकते हो कैसा है मेरा बाल, और इतना भी अनहेल्दी नहीं है प्लस इतना भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा ही हो रहा है, और अच्छा ही है मेरा बाल, मुझे तो पसंद है। फिर भी जो बाल झड़ रहे हैं उसके लिए तो हमें कुछ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने हेयर के जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसको रिमूव कर लूँगी हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे हेयर जो हुए हैं फल, और बहुत हेयर तो कब पहले झड़ते थे, उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लव्स लिया है, तो ग्लव्स को मैं अपने हाथों में लगा लूँगी। तो हाथों में लगा लेने के बाद आप मेरा बाल देख सकते हो, ट्रायंगल्स नहीं है बाल में, तो इसको मैं कर लूँगी 2 पार्ट में डिवाइड। तो डिवाइड कर लेने के बाद फिर से मैं एक बार कम करके ट्रायंगल्स रिमूव करूँगी, और एक साइड के जो बाल है उसको मैं एक जैक पिन की मदद से सिक्योर कर लूँगी, और मैं आगे से बालों में मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा थोड़ा बाल लेते जाऊँगी और उसमें मेहंदी अप्लाई करूँगी, और मेहंदी को हमें रूट से ही अप्लाई करनी है क्योंकि ये मेहंदी कोई भी हार्म नहीं करेगा, ये मेहंदी को हम रूट से लगा सकते हैं। और इस क्योंकि हेयर फॉल हो रही है तो रूट में मेहंदी को लगाना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा बाल लेते जाएंगे और इसको ब्लेंड करते जाएंगे अच्छे से। तो सेम वे में हम सारे बालों में करेंगे, आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ। इसके रूट्स में भी मैंने मेहंदी को अप्लाई किया है क्योंकि रूट में ही मुझे स्पेशली मेहंदी को अप्लाई करना था। मेरे जो हेयर फॉल है, मेरे जो हेयर की जो प्रॉब्लम है वो रूट से ही है, नीचे के बालों में तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रफ भी नहीं है, फ्रिजी भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल, और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी रहती थी। अभी तो बरसक बहुत कम हो चुके हैं, और एक साइड के बालों को आप देख सकते हो मैंने मेहंदी अप्लाई कर लिया है, सेम वे में मैं दूसरे साइड के बालों में भी कर लूँगी। आगे से ही मैंने स्टार्ट किया है, और ये थोड़ा मेहंदी गिर भी रही है बट कोई नहीं, मैंने यहाँ पर रफ़ कपड़ा यूज किया है, इसमें मेहंदी लग भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी जब मेहंदी लगाओ
बालों में तो कोई रफ़ कपड़ा ही यूज़ करो, या तो एक एप्रोन ले लो अपने कपड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा लिया है अपने बालों में। उसके बाद मैं हेयर को बैक साइड करूँगी अपने फिंगर की मदद से, और जो पीछे के बाल है उसको ऊपर करके मैं एक बन बना लूँगी, ताकि जो मेरा बाल है वो अच्छे से सिक्योर रहे और मेरे कपड़े में इधर उधर ना लगे। ऐसे तो लग ही चुकी है, बट कोई नहीं, फिर भी अच्छे से सिक्योर हो जाने के बाद हमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने एक क्लच की मदद से इसको सिक्योर कर लिया है। तो मैंने इसको लगभग एक घंटा ही रखा है। एक घंटे के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। आप चाहो तो 2 घंटे भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 घंटे रखने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा हेयर जो है उतना कलर नहीं आएगा इससे, बस आपका हेयर जो है वो हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मेहंदी, भरसक सूख ही चुका है उतना नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग बैटर को जो थिक बनाते हैं उससे जो मेहंदी है वो नहीं सूखता है। तो चलिए मैं अब अपना हेयर वॉश करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, आप देख सकते हो मेरा हेयर जो है, आप हल्का रेड रेड साइन देख सकते हो इसमें, पहले से ज़्यादा है। ऐसे तो मेरा पहले का हेयर में भी रेड साइन था, बट अभी कुछ ज़्यादा है। और मेरा जो हेयर है वो अभी मैंने बस इसको पानी से वॉश किया है, शैम्पू नहीं किया है, ना ही कोई ट्रीटमेंट स्पा वगैरह किया है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने बालों में मेहंदी लगाओगे तो आप अपने बालों को केयर कैसे कर सकते हो? आप अपने बालों में मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू या स्पा क्रीम या कोई भी ट्रीटमेंट क्रीम वगैरह मत यूज़ करना, सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना। और उसके बाद जब आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो उससे अपने बालों को ऑयलिंग कर लेना। ऑयलिंग से क्या होगा, आपका जो हेयर में जो मेहंदी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका हेयर बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो कर देना बहुत सारे लाइक। बाय बाय, कीप लविंग।